أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا फर जहम खूब इनशा माह रमज़ान के बस तीन से चार अयाम और रातें बाकी हैं खुदा हमें तोफ़ी देखे हम अगरचे हमारे स्कूल कॉलेज और दीगर मदारस के इम्तहानत हैं लेकिन ये इम्तहाना बास न बने के हम आ, फजर से पहले जल्दी ना उठें या फकत सहरी करने के लिए उठें बल्कि कोशिश करें कि फजर से एक घंटा पहले उठकर कुछ नमाजें पढ़ लें कुछ कुरान की तिलावत करें ताकि इन बरक़ात से हम मुस्फिर हो सकें बिलाखिर ये मुमकिन है हम अगले साल हम जिंदा ना हो रमज़ान हमें नसीब ना हो शायद ये आखिरी रमज़ान हो हमारा लिहाजा कोशिश करें कि इन चार या तीन रातें जो बची हैं इसको हम जद्दीत के साथ इसको पैगी करें इन हम हम आदम आदमी से इजाज़त लेते हैं और हज़र हवा सलाम से भी इजाज़त लेते हैं और इसी तरह हजरत हाबील आलम से भी और इसी तरह हजरत शेष्लाम से भी इजाज़त लेते हैं और इन तमाम हसीियों को अपना सलाम भी पेश करते हैं इन दी एंड क्योंकि हज़र शेष्लाम वो शख्सियत है जो हज़र आदमी सलाम के वसी हैं और हम तलब करते हैं दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे लिए दुआ फरमाए इन देखें हज़रत आदम और हज़रत हवा हिमा के हवाले से जो एक अहम नुक़ा मिलता है आप देखें हज़रत आदम सलाम की उम्र तकरीबन या सात सौ साल है या नौ सौ साल सात सौ तीस या नौ सौ तीस साल इनकी ज़िंदगी होती है ठीक है हजरत आदमी की अब आप देखें ये जो दौरानिया है ना इस पूरे दौर में हज़रत हवा हज़रत आदम आम के साथ साथ थी उनके कभी भी उनसे जुदा नहीं हुई आप देखें एक बहुत ही अहम नुक्ता है और अब इस एतबार से देखें तो हज़रत आदम सलाम, अब जब अगरचे मैंने आपकी खिदमत में कल उनका पूरा किस तरह उनकी उनका इंतकाल हुआ वो आपको मैंने बताया लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हज़रत आदम सलाम ने अपने उम्र के आखिरी अया में कौन सी वसीयतें फरमाईं और अपने जानशीन को कैसे इंट्रोड्यूस कराया तमाम लोगों के लिए वो हम देखना चाहते हैं इसमें भी बहुत ही अहम नुकात हैं ठीक है और कुछ नुकात हम अभी जैल में हजर हवा सलाम्ह के बारे में भी देखेंगे ठीक है कि उन्होंने मुकम्मल इन सात या नौ साल मुकम्मल हजर आदमी के साथ बगैर किसी जुदाई के बग़ैर किसी परेशानी के ज़िंदगी गुजारी देखें अब जब हज़रत आदमी सलाम अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में पहुँचे तो वो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को अपने तमाम खान वादों को जमा किया अपने तमाम फ़र्जंदों को अपने तमाम नवासों को पोते पोतियों को और जितने भी आ, बिलाखिर उनके ग्रैंड सन्स थे नवे हा, नतीजे हा सब के सब उन सबको जमा किया और कुछ मुद्दत के लिए हजरत आदम ने सकूत इख्तियार किया खामोशी इख्तियार की और बहुत ही कम सुखन करते थे बहुत ही कम बोलते थे मगर ये कि कोई उनसे सवाल करे और वो उनके सवाल का जवाब दें एक तरफ से हजरत आदमी गमगीन भी थे क्योंकि वो उस तक्रलाही से दूर थे ठीक है उस मकाम से तनज्जुल का शिकार हुए थे लिहाजा बेहिश्त की नस्बत वो बहुत दिल तंग हो चुके थे अपनी पूरी उम्र में अपनी पूरी इस साढ़े सात सौ या नौ सौ साल की उम्र में बहिश की नस्बत वो बहुत दिल तंग थे बहुत मिस करते थे वो बहिश्त को और बहिश की ग़ाओं को और बहिश की नहमतों को अब जब हज़र आदमी सलाम दुनिया से जाने वाले थे तो उन्होंने एक वसीयत ये की मुझे आ, उस एक बहिश का एक दरख्त है उसमें से उनको दो शाखे दी जाएं उनके जाएं और वो उनके साथ उनकी कबर में रखी जाए बहिश के दरख्त से दो शाखे उनके साथ उनके कबर में जहां पर दफन किया जाता है उन, उन शाखों को रखा जाए अगर आप नोट करें ना बाद में जब ये उन्होंने ये हुक्म दिया तो ये एक सुन्नत बन गई बाद में कि शाखों को कब्र में रखा जाता है ठीक है और ये ख़ुद नबी मुकरम इस्लाम हज़रत महमद्लाम के ज़माने में इस सुन्नत को अहिया किया गया और आज हमारे फ़ुका मुश्तिन इस काम को मस्तब समझते हैं ठीक है और ना फ़क्त मस्तहब समझते बल्कि ताकीद भी करते कि ये इंसानी काम करें अब इसके पीछे क्या है? ये मुझे नहीं मालूम आदम आदम अच्छा। आदम अच्छा। अच्छा। के बाद देर जिंदा नहीं रही ज्यादा से ज्यादा एक साल वो जिंदा रही और दुनिया से चली गई यानी अगर आप यह समझे तकरीबन साढ़े सात सौ हाँ सात सौ तीस साल हजरत आदम के साथ उनकी कुल्ले मर हज़र इतनी थी साढ़े सात सौ या सेवन थर्टी इयर्स लेकिन आप देखें अब बिलाखिर हजर सल और आजम सलाम्ह इतने साल हम ये तो नहीं कह अब आजकल हमारी उम्र साठ सत्तर साल से ज्यादा नहीं लेकिन उस जमाने में उनकी उम्रें साठ सौ आठ सौ नौ सौ साल थी अब इतने साल अगर इंसान एक साथ मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजारें ठीक है और अगर मसला सात सौ साल ज़िंदगी गुजारने के बाद साथ, साथ रहने के बाद अब मियाँ चला जाए वफात पा जाए तो जाहिर सी बात है उस बीवी के लिए फिर मुश्किल होगा उसके उसकी जुदाई को तहमल्ल करना ठीक है तो हज़रत हवा सभी हज़र आदम की जुदाई को ज़्यादा तहमुल ना कर पाएँ और कहा रिवायत में है कि उन्होंने उनको बीमारी हुई मरीजी का शिकार हुई और उस मरीज़ी के पंद्रह दिन बाद वो दुनिया से चली जाती हैं अच्छा जो महल दफन हज़रत आदम और बीबी हा सलाम का जिक्र किया जाता है अगरचे हम ज़्यादातः अमीन वमीन आ पढ़ते कि उनको नजफ़ में दफ़न किया गया लेकिन उससे पहले जैसे ही हजरत आदम की वफ़ात होती है और बाद में हज़रत हवा स की वफ़ात होती है उनको एक जगह जिसको कहते हैं बिन रुकन व मकाम ठीक है ना रुकन व मकाम के दरमियान उनको दफन किया गया और अगर आप रिवायात में सर्च करें और एक छोटा सा आप गूगल भी कर लें तो आपको मोतबर असनाद के साथ ये बात मिलती है कि रुकन मकाम वो जगह है जहाँ पर लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम से उनके जहूर के बाद उनके हाथों पर बेअद करेंगे और ये वो जगह है जहाँ पर नफ़ से ज़किया को कत्ल किया जाएगा अब हज़रत आदम को यहाँ पर दफन किया गया क़दम अव्वल पर लेकिन बाद में जब हज़रत नूसम का तूफ़ान का मसला पेश आया जरिया ने तूफ़ान पेश आया तो हज़रत नूसम ने हज़रत आदम के जनाज़े को ठीक है अपनी कश्ती में मुंतकिल किया और अपने साथ, साथ ले गए और जब कश्ती कहाँ रुकती है जैसे तूफ़ान तो जहाँ जहाँ भी आगाज़ हुआ लेकिन तूफ़ान जब ख़त्म होता है और कश्ती ट्रैवल करते करते सफ़र करते करते कहाँ रुकती है कोफा के अंदर इराक़ में जो कोफा है कोफा नामी इलाके में वहाँ पर कश्ती रुकती है और वहाँ पर फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नज़फ़ ले जाया जाता है और नज़फ़ में वहाँ पर उनको दफन किया जाता है इसी वजह से जियारत अमील मोमिन है जो संडेस को पढ़ी जाती है क्या है बिस्मिल्लि जियारत नामाई का हम सलाम करते हैं अमीर ममिन पर वजी का आदम आदमू क्या मतलब सलाम हो आप पर ए अली। जो आदम और नूह के दरमियान जिनको दफन किया गया यानी हजरत अली कहा दफन है आदम और नू की कबर के दरमियान इमाम अली को दफन किया गया है ठीक है यानी दो नबी इलाही के दरमियान इमाम अली दफन किया गया है जी ममनू है हाँ लेकिन कुछ शराइत के अंदर नपशे कबर इसको नबश कबर, कबर बोलते हैं ठीक है यानी उसको कबर से निकालना में जायज है, से है से के से बहुत अभी आ रहे हैं हाँ आ रहे हैं ना अभी अम्बिया अलैहिस्सलाम का अम्मा का पैकर साले में जैसे जैसे असाब या जैसे बाज शोहदा आप देखें। और कितनी वीडियोस भी इस वक्त मौजूद हैं बाद शोहदा की आप वीडियो देखें पंद्रह साल बाद उनकी लाश मिलती है उनका जसद मिलता है या उनको मसला उन उनकी लाश मिलती है तो क्या होता है बिल्कुल सालम और बल्कि बाद शोहदा तो ऐसे हैं कि उनके बदन मुबारक से खुशबू भी आती है ऐसा है ना सही है तो अम्बिया वसलम मासूमिन की जो बॉडी है उनके जो जसद मुबारक है वो ख़राब मुतलाशी नहीं होते वो ठीक है ना साले में रहते हैं तो लिहाजा हजरत आदमी की कहानी तो यहाँ तक थी लेकिन हम जो अहम नुकता अब यहाँ देखना चाहते हैं और अब इस बहस को हम मुतसिल करेंगे अब हजरत साथ। वो क्या है वो है हज़रत आदम की वसीयतें हजरत आदम की एक वसीयत नहीं थी बहुत सारी वसीत ही थी देखें जब हजरत आदमी दुनिया से जाने वाले थे तो उन्होंने तमाम अपने बच्चों को फैमिली मेम्बर्स को सबको अपने गिर जमा किया और सब के सामने हजरत शेष को इंट्रोड्यूस किया बेनवान वसी ये खुद आने वाले वसी और नबी ठीक है और कहा कि फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कि मेरे जाने के बाद तुम सब पर वाजिब है कि तुम इसकी इतात करो और इसके कलाम को सुनो दिक्कत से गौर से और शेष जो तालीम देते हैं उस तालीम को तुम अख्स करो ताँगरू? लो उसकी तालीम को हासिल करो वो जो आपको सिखाएंगे तो अब इसके बाद हजरत शेष को खिताब किया देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है हज़रत आदम साम ने शेष से फरमाया कि खुदा के अमर से खुदा के हुक्म से मैंने ये मतलब तुम्हारी नबूवत का इंट्रोडक्शन तमाम लोगों के सामने इजहार के किया इंट्रोड्यूस किया है खुदा के हुक्म से क्या मतलब खुदा के हुक्म से यानी नबी खुद हज़रत आदम ने अपने दिल से इंतख्या नहीं किया है अपनी तरफ से काम नहीं किया है खुदा के हुक्म से किया यानी क्या नतीजा जितने भी अम्बिया अम्बिया के अवसिया आए हैं वो सब के सब और मासूम सब मुंतसब हैं सब खुदा के अमर से खुदा के हुक्म के मुताबिक उनको मंसूब किया जाता है यानी एक नबी को इजाजत नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी को बेउनवाने वसीय नबी चुने नबी बादी इसी तरह इसी वजह से हम देखते हैं कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन और ख़लीफा बिला फसल चुना एक और अहम बहुत दुखता यहाँ पर देखें यहाँ रिवायात में क्या अल्फाज हैं कि हज़रत आदम सलम ने अपने तमाम उस वक्त जितने भी लोग कौन लोग थे वो सब जाहिर सी बात उनकी फ़ैमिली थे ना चाहे वो पाँच सौ लोग हों सी बात हजर आदम साढ़े सात सौ या साढ़े नौ सौ साल जिंदगी गुजारी अब साढ़े नौ सौ साल या साढ़े सात सौ साल में कितने लोग पस पैदा हो गए होंगे एक बिलाकर एक ओके हो गया होगा काफी लोग होंगे पसकंद हजार पसकंद दो हजार होंगे, होंगे। कतन ठीक है तो इतने तमाम लोगों के सामने हजरत आदम ने अपना जानशीन मुआरफी करा क्या मतलब यानी ये एक सुन्नत इलाही है ये एक खुदा का कायदा है कि एक नबी कभी भी अकेले में इनफरादी तौर पर अपने जानशीन को मुआरफी इंट्रोड्यूस नहीं सबके सामने कराना जरूर क्यों ताकि लोग पहचान सकें कि भाई आदम के बाद अब मुझे किसकी तरफ रजू करना है, लोगों को पता चले के आदम के है। इसी वजह से अब देखें। ने गरीर -खुम के मैदान पर हजतुलवि के बाद एक लाख चौबीस रिवायात के अंदर है। हज के बाद जब नबी वापस आ रहे थे उनका आखिरी हज था और उनकी वफात से कुछ दो या तीन महीने पहले जब हज से वापिस आ रहे थे तो उस वक्त रिवायात में मिलता है एक लाख चौबीस हजार लोग मौजूद थे हज के अंदर उस वापसी में और तमाम लोगों के सामने नबी अकरम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बेउनवान खलीफाए बिला फसल चुना बेउनवान इमाम उम्मत चुना ठीक है सबके सामने ताकि लोग पहचान सके भाई नबी जा रहे दुनिया से दो महीने बाद अब मैं किसकी तरफ यहाँ पर रुजू कर सकूँ जी पहुंची कैसे जब जब अबू बकर चुना गया तो शिया को, को तो हम, हाँ, हाँ, और सुन्नी के दर यही तो मौजूद है गरीर का मौजूद इमाम इमामत इमाम अली का मौजू सब नहीं देखे उस अब मैं ज्यादा इसमें जाना नहीं चाह रहा ना हम मौजू से हट जाएंगे लेकिन दो मिनट के लिए चले मैं बयान कर देता हूँ वो ये क्या देखे अब हदीस की किस्में हैं उलूम है हदीस के अंदर किस्में एक है हदीस मुतवातिर हदीस मुतवातिर वो है जो नसल अंदर नसल एक के बाद एक नसल में ये हदीस मुंतकिल होती चली जाती इतनी मारूफ हदीस है हदीस से गदीर उन अंगुशुमार मुतवातिर अहदीस में से है कि जो नसल अंदर नसल रावियों ने और उलूम हदीस के अफराद ने इसको असहाब रसूल ने आया के अहाब ने इसको हम तक पहुँचाई है ये हदीस बग़ैर किसी नक्स के बग़ैर किसी अल्फाज के चेंजेस के अंदर कोई चेंज नहीं अल्फाज में पूरा खुतब गदीर हमारे पास मौजूद है आज नबी अकरम का उस जमाने का ठीक है ना चौदह सौ साल पहले का अब गदीर का जब ऐलान हुआ ना पूरा नबी अक्रम ने तकरीबन आधे घंटे का खुतबा दिया है और उस आधे घंटे के खुतबे के अंदर नबी अक्रम ने इमाम अली को मौरफी कराया उस खुतबे के बाद नबी अक्रम के हुक्म से तीन दिन वहीं पर गदीर का जो मैदान है वहाँ पर पड़ाव डाला ठीक है तीन दिन के लिए वहां पर रुके और नबी अक्रम के हुक्म से तमाम लोगों ने जन व मर्द खातन और हजरात ने सब के सब ने इमाम अली सलाम के हाथ पर बेअत की अज जुमला उन बेअत करने वालों में से खुद हजरत अबू बकर थे हजरत उमर थे हजरत उस्मान थे और तमाम तमाम नबी अकरम की अजवाज थी ख़ुद हज़रत फ़ातिमा ज़ारा सलाम ने भी बेहद की और अलबत्तः अल इसके बाद ये हुआ कि भाई नबी अलैहि सली की रहलत के फौरन बाद कुछ सेकेंड्स ही नहीं हुए थे कि एक साजिश हुई कॉन्सपरीसी हुई जिसके तहत हज़र अबूबकर को भी जानशीन चुना गया और इमाम अली के खिलाफत को गास्ब किया गया और नतीजतन इमाम अलीम को खिलाफत से महरूम किया गया अब ये बहुत मुफसल टॉपिक है जी हम हज, हम हजरत अबू बकर क्यों कहते हैं अबू बकर क्यों देखें बिलाखिर देखें अगरचे हम जानते के हक क्या है ओके हम जानते हजरत अबू बकर ने क्या किया इमाम अली के साथ लेकिन फिर भी चूंकि हम अहले सुन्नत को अपना भाई समझते हैं क्योंकि हज़रत अबू बकर हज़रत ऊस्मान हजरत उमर एहल सुन्नत के यहाँ मोहतरम शख्सियात है ना ठीक है देखें एहल सुन्त तो, तो ठीक तो तो है ठीक तो है तो लेकिन तो हम हाँ लेकिन हम क्या है देखें बिलाखिर यहाँ पर बिलाखिर दुश्मन जो शिया सुन्नी का एक दुश्मन है वो उस दुश्मन की कोशिश ये कि शे मसला क्या करें सुन्नियों के मुकदसात को सुन्नी की सुन्नी की मुकदस शख्सियात की तोहन करें नतीजे में क्या होगा सुन्नी हजरत आएंगे शियों की मुकदस शख्सियात को क्या करेंगे जही अगर मैं आपके खुदाना ख़ासा किसी रिश्तेदार को तोहन करूं तो आपका क्या रिएक्शन होगा आप भी तोहन करेंगे ना बिलाखिर लेकिन ख़ुद हमारे मुश्तन और मसला रहबर मज़्म ये तमाम उलमा ये फरमाते किसी को इजाज़त नहीं है किसी शी को इजाज़त नहीं है कि अहिल सुनत की मुकदस शख्सियात की तोहन की जाए किसी को इजाजत नहीं है तमाम अजवाज रसूल मुहतरम है ठीक है अबू बकर भी मुहतर के साथ साथ भी बयान होने चाहिए। हकीकत सही है हकीकत भी बयान होनी चाहिए उस इज्जत के माहौल में रिस्पेक्ट के माहौल में बगैर तोहिन के आप हक बयान करें कोई इश्काल नहीं है अच्छा हम मौजू से हटना नहीं चाह रहे ओके okay. हम हज़रत आदम हज़रत शेज की जानशीनी से इमाम अली की जानशीन तक तो पहुंच गए ओके दोबारा हम आते हैं दस हजार साल पहले ओके okay. टाइम ट्रेवल करके अच्छा अब क्या हुआ देखें जो भी नबी दुनिया से जाता है ना गौर से सुनना ही है जो भी नबी दुनिया से जाता है वो अपनी तमाम विरासतें आने वाले जानशीन को इर्स के अंदर इर्स के तौर पर मुंतकिल करता है अब नबी की अब विरासत जब जहन में आए ना तो पैसा जहन में ना आए आपके यहाँ पर सही है यहाँ पर उलूम अम्बिया है उलूम यहाँ पर और मारफ हैं और इसी तरह मसला सुन्नतें हैं मसला जो उस नबी ने जारी की हैं अपने दौर में वो तमाम सुन्नतें विरासतें उलूम आ, आगे वाले जो आने वाला जो जानशीन है उसको मुंतकिल किया जाता है हजरत आदम आजम ने हज़रत शेज़ को अपनी वसीयत करते वक्त अपने तमाम उलूम को शेज़ को मुंतकिल किया कैसे अब रिवायात के अंदर है कि ये इल्म आदम एक संदूक में मौजूद था जाहिरी तौर पर ठीक है इल्म क्या होता है नूर इल्म क्या है लाइट है नूर है यानी मादी नहीं है तो संदूक में कैसे आ गया ये निज़ाम ज़ाहरी के अतबार से बिल आप इल्म को किताब में तो लिख सकते हैं ना किताब में तो जमा कर सकते हैं ठीक है ठीके? हाँ अब मैं आऊँगा मैं मैं सब मऊँगा सब का सब सबक करें अब आएंगे लिखना पढ़ना वो सब कैसे आया ठीक है अब ज़ाहिर सी बात है अब हो सकता है उस जमाने में किताब ना हो लेकिन हज़रत आदम सलाम ने एक पूरा संदूक बॉक्स दिया हज़रत शेज़ को मुंतकिल किया और अब मुमकिन उस पर किताब हो या कागज़ हो या कुछ और हो ठीक है लेकिन बिल आखिर हजरत आदम ने सही ताबीर ये है कि हजरत आदम ने शेज़ के वजूद में अपना पूरा इल्म मुंतकिल किया दर वजूद एक मिनट में थोड़ा आगे जाना चाह रहा हूँ दो मिनट की मुझे दस मिनट बोलने की इजाजत है सिर्फ दस मिनट एक साल बगैर किसी ब्रेक के उसके बाद आप बोलें मुश्किल नहीं है अच्छा ठीक है अब इसी वजह से आप देखें कभी भी उलूम अंबिया मुनहदिम नहीं हो सकते तबाह और बर्बाद अगर कोई दुश्मन चाहे भी ना नहीं कर सकता क्यों क्योंकि ये संदूक में नहीं है संदूक जाहिर में नहीं है बल्कि वजूद नबी के अंदर है ये इल्म अब मुमकिन है मसला दुश्मन ने इमाम हुसैन अल्लाम में करबला में इमाम हुसैन के मसला कपड़े कमीस वगैरह छीन के ले गए हों लेकिन आया दुश्मनान इमाम हुसैन इमाम हुसैन को तबाह बर्बाद कर सकते हैं नहीं।, नहीं क्यों क्योंकि क्यों वो उनके वजूद में था और इमाम हुसैन ने अपना इल्म अपने आने वाले जानश इनको इमाम सज्जाद को उनके वजूद में मुंतकिल किया लिहाजा इल्म इमाम कभी भी उलूम अंबिया कभी भी मोन और बर्बाद व तबाह नहीं हो सकता बहुत ही अहम नुकता है ये खूब अब जो आप लोग के बाद सवाल आता है ना अब उसका जवाब यहाँ ठीक है आजम की रहलत के बाद हजरत नू तक हजरत नूसम के मबूस होने तक तकरीबन पंद्रह सौ साल का फासला होता है अब इन पंद्रह सौ साल के अंदर क्या हुआ कोई नबी नहीं आया नहीं, नहीं। हजरत शेज भी थे और हजरत शेज के साथ साथ तकरीबन नौ या दस नबी और भी थे नौ या दस नबी और भी थे जो कि अलनी तौर पर आशकारा नहीं पिनहानी तौर पर उन्होंने क़याम किया था और लोगों को दीन की तबलीग किया करते थे गैर अलनी तौर पर मैंने कहा ना अम्बिया की गैबत अगर आपको याद हो गबत इमाम ज़मान फ़कत इमाम गैबत में नहीं है बल्कि इमाम से पहले तमाम अम्बिया किसी न किसी मरहले में गैबद में रहे और कुछ अम्बिया तो मुक, मुकम्मल गैबत में थे जैसे ये मसला ये अम्बिया जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ ठीक है अब उन अम्बियाओं में से मसला जो बहुत ही मरूफ हैं जिन्होंने गैर अलनी तौर पर तब्लीग की लोगों के लिए वो है हज़रत इदरीसल ठीक है कि जिनकी जिनके कसस हम तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो इन कभी फ़ुर्सत मिले तो हज़रत आदम के बाद हम हज़रत इजवीज़ का किस्सा बयान करेंगे ठीक है आप सब के लिए तो आप देखें ये एक अहम बात है बिल आखिर लोगों की तालीम और तरबियत करना गैर अलनी तौर पर ठीक है मखफियाना अंदाज़ में अब वो क्यों मखफियाना अंदाज में इसका ताल्लुक़ काबिल से है वह अभी हम आएंगे उस हवाले से ये सब बा ये सब काबिल की वजह से हुआ कि अम्बिया ने अपने आप को आशकार नहीं किया बिलाखिर बिलाखिर आप देखें खुदा वंद मुताल को अपना पैगाम आगे पहुँचाना है आने वाली नस्लों तक अब चाहे वो ज़माने की शराइ के अतबार से लोगों की माशरे की शराइ के अतबार से कभी माशर की शराइत ऐसी होती है कि आपनी तौर पर आशकारा तबलीग करें कभी शराइत ऐसी नहीं होती कभी आप मजबूर हैं कि आप मसलन पिनहानी तौर पर तब्लीग करें जैसे इमाम सज्जाद से लेकर इमाम अस्करी तक तबलीग दीन जो हुई वो पिनहानी तौर पर हुई है ठीक है अब उसके भी मरातब और मरहल हैं अब जब शेष तक ये नबूवत और विसायत पहुंची तो वो हमेशा अब अब आदम की यहाँ पर कहानी खत्म है अगर जब हम आएंगे हजरत आजम के मुजे को देखेंगे बिलाकर नबी का एक मुजजा है तो हज़रत आदम का मुजज़ा देखते हैं सलाम हमेशा मक्का की सरज़मीन पर मुकीम थे ठीक है मक्का यानी हिजाज के जहाँ पर हज पेले मुम यानी वहाँ पर सुकूनत इख्तियार वहाँ पर उनकी रिहाइश थी कभी भी वो मक्का से बाहर नहीं आए बेखिलाफ़ कौन हजरत आदमी सलाम के वो कभी मक् जाते थे कभी मक्से से बाहर आते थे उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी हज़रत आदमी की अच्छा शेल्लम चूँकि वो भी गैर गैरअलनी तौर पर तबलीग किया करते थे उन्होंने अपनी नबूवत का ज़्यादा आश्कार नहीं किया था लिहाजा उनकी तमाम फालियतें तबलीगी फालियतें कब हुआ करती थीं हज और उम्र के ज़माने में आप देखें अगर आप अब यह मत पूछना कि उस ज़माने में हज कैसे आया हज़रत आदम साम ख़ुद बानी है हज और उम्र है बानी। खुद बानी यानी जिन्होंने खुद ये सुन्नत बनाई ठीक है खुदा के हुक्म से क्योंकि हज़रत आदम सलाम ने काबा की बुनियादारी उस ज़माने में और उसी ज़माने से वो जगह मक्का के अंदर के, तो के हाँ अब वो अलग बात है हाँ अब इबादत के मुख्तलिफ तरीक़े जो हर ज़माने में मुमकिन है बदलते आए हों लेकिन आज हम चूँकि हमारे आखिरी पैगम्बर ने एक ख़ास अहकाम के ज़रिए हमें बताए तो हम खास अहकाम के मुताबिक हज और उम्र के आमाल को बजा लाते हैं हज़रत शाह अपनी तमाम तबलीग पीचिंग कहाँ किया करते थे हज और उमरा के ज़माने में और लिहाजा जिस जिन लोगों को रुजू करना होता था अपने दीनी मसाइल पूछने होते थे तो वो हज और उम्र के मौके पर जाते थे मक्का और हजरत अलैहि सल्लाम से मुलाकात करते थे अलबत्त हज और उम्र के अलावा भी जाते थे हजरत शेज़ के पास ठीक है तो ये जगह मक्का की सरजमीन बन गई वो सरजमीन जहाँ से हिदायत लोगों तक पहुँच रही थी शेज एक मिनट शेज के लिए पचास पेज का या अब ये समझे पचास सहीफे सही है वैसे इसको भी हम सहीफा कहते हैं ठीक है सहीफ़ा जो कागज़ पर मुश्तमिल किताब हो ठीक है हजरत वसल्लम के लिए पचास सहीफे उनको विसायत में मिले ठीक है रिवायात के अंदर मौजूद है और बाज़ रिवायत के मुताबिक हजरत आदमी के पास ये सहीफे मौजूद है जिसमें दीनी अहकाम थे दीनी अहकाम पर मुश्तम

तबलीग के लेकिन आप इसको बाद में इसको कैटेगराइज करें दस्तरबंदी करें इसको एक और नुकता शेज़ के बारे में कि शेष अवली शख्स है सबसे पहले शख्स है जिन्होंने काबा को बिल्ड किया काबा के ऊपर पत्थर रखे और पत्थरों से बनाया आदमी ने क्या किया काबा की बिल्डिंग को बनाया नहीं फकत बुनियाद डाली उन्होंने सही है सही है यानी जमीन पर मुशक्त किया कि ये मसल काबा का एरिया है हाँ मस लाइन लगा दी हाँ, मस आपके बकौल और कुछ मसलन जगह मुशक्त कर दी कि ये इबादत की जगह है हजरत शेज्लाम ने क्या किया उसको बिल्ड किया साख्तेमान बनाई बिल्डिंग बनाई पूरी काबा की और पूरा मतलब ईंटों के ज़रिए पूरी बिल्डिंग बना दी उन्होंने काबा काबा की अच्छा एक और बात शेजम की जो विलादत के बारे में जो रिवायात आई हैं वो वो ये है कि शेजम हज़रत आदम के ज़मीन पर आने के दो सो छस टू थ्री सिक्स सालों बाद पैदा हुए क्या? सही है हजरत आदम के जमीन पर आने के कितने साल बाद दो सौ छत्तीस टू थर्टी सिक्स ईयरस तो 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 बाद तो पैदा होते हैं हाँ तकरीबन ढाई सौ साल ठीक है यानी जब यानी खुद आदम आदमी इसका मतलब क्या थे आदम आदमी खुद दो सौ छत्तीस साल के थे जब हजरत शेष वजूद में आए पे मुतवल हुए ठीक है तो अगर हम इस एतबार से देखें और हजरत आदम की उम्र कितनी थी मैंने मसल सात सौ तीस बताया आपको सात सौ तीस को यहाँ और दो सौ छत्तीस को रखें तो तकरीबन हजरत शेष्ला ने हजरत आदम के साथ तकरीब पाँच सौ साल जिंदगी गुजारी है बेटे ने बाप के साथ आने वाले नबी ने अपने बाप के साथ पाँच सौ साल जिंदगी गुजारी है यानी हजरत वसल्लम ने पाँच सौ साल हजरत आदम की तहत तरबियत में रहे ठीक है ना कितनी बड़ी बात है सही है ना अब आदम की वफात के बाद एक बड़ी मुश्किल एक बड़ी रुकावट जो शेज को फेस करना पड़ी वो मिस्टर काबिल है काबिल दर हकीकत उस तमाम किस्सों को जहन में रखें आप तो काबिल एक तहदीद बन चुके थे खतरा आने वाले अम्बिया के लिए और ना फकत काबिल काबिल की पूरी नस्ल ठीक है ना काबिल ने शेज से कहा कि अब हजरत आदम नहीं है दुनिया में वो चले गए अब यहाँ पर शेज सलाम है और काबिल शेज सलाम को हजरत काबिल ने हजरत काबिल ने कहा कि तुम्हें हक नहीं है कौन कह रहे हैं काबिल है सलाम को कि तुम्हें हक नहीं है कि तुम अपनी दावत दावत को नहीं दूंगा अगर तब्लीग करनी तो पिनहानी तौर पर करो इसी वजह से मैंने कहा ना बाज अंबिया आदमी के बाद नौ या दस नबी कौन थे क्या थे उनकी तबलीग कैसी थी उनकी दावत गैर अलनी थी उनमें से एक खुद शेष्लाम अब

ना हो कि वो काबिल के और ये मसलहत भी नहीं थी बिला आखिर के काबिल के सामने क्याम किया जाए और यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो खून रेज़ी हो बिला आखिर क्योंकि काबिल पहले से ही खून रेजीबे अभी मैं आऊँगा उसके ऊपर खून रहीबे वो मशगूल था वो अब काबिल की इस धमकी के बाद बिलाख़िर आप देखें जब कोई आपको ऐसा धमकी करे कि भाई आगा मेहदी तुम ज़्यादा दावत दीनी नहीं कर सकते ना तो भाई मोबाइल पर नहीं कर सकते तुम छुप छुप के करो भाई दावत दीनी तो न नतीजा क्या होगा नतीजा क्या होगा दावत दीनी का प्रोसेस स्लो हो जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी मुसलमान मसा अगर मैं मुसलमान कहूँ मुसलमान कम हो जाएंगे ठीक है अगर मैं किसी को मुसलमान बनाना चाहता हूँ उसमें भी स्लोनस आ जाएगी आहिस्तगी आ जाएगी अब यहाँ पर काबिल ने क्या किया काबिल अब देखें काबिल के सर पर कौन है नहीं शैतान ठीक है शैतान मुसलसल मौजूद है यहाँ पर इस मैदान के अंदर शैतान के उस तालीम की वजह से काबिल ने क्या किया एक तो बैतू बनाया था अगर आपको याद है और क्या किया इसने इसने जश्न की महफ़िलें डांस की महफिलें म्यूज़िक की महफ़िलें सब उसने बनाई कॉन्सर्ट्स होते हैं ना बाज़ मुल्कों में म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स होते हैं और गाने के महफिलें होती हैं वो सब यानी कुरान की ज़बान में लहव व लाभ की महफिलें ओके टाइम पास की महफिलें किसने बनाई किसने बनाई काबिल ने ठीक है यानी ये सब इसका बानी है काबिल इन सब का बानी है काबिल फकत आतिश परसी का यानी जितनी भी कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट पता है क्या है कॉन्सर्ट वो महफिल होती है जहां पर लोग जाते हैं और बहुत बड़ा बेहतर या सिंगर गाने गाने वाला वो आता है और लोगों को जो है वो सुनाता है लोग जो है वो डांस करते हैं तो ये इसका आगाज किसने किया काबिल ने ठीक है तो उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी कॉन्सर्ट हो रहे हैं सबका गुना उसी को जा रहा है ठीक है तो आप देखें ये इसने हल कर एक और कहा में हो नहीं होगा काबिल पशमान हो भी तो शायद उसकी तौबा नहीं, हो। मुश्किल गया। नहीं है जहनम है। के, के सख्तरी अजाब के साथ लोगों को वो अजाब देखने को मिलेगा उसमें से एक काबिल है उसकी पशीमानी का हम क्या कर सकते हैं बिलाखिर नहीं वो पशमान होगा ही नहीं होगा क्या बताओ काबिल जब इंशाल्लाह कयामत में देखेंगे बाल एक मसलन, का एक नाम ये हम भी पशेमान होंगे आप देखना किस चीज से पशेमान होंगे हम जब मैं और आप में से क्या में जाएंगे कितना, कितना सही लह में हमने टाइम गुजारा इनशा खुदा हमें आदमी सलाम के साथ और तमाम अम्बिया के साथ हमें महसूस फरमाए इनशा एक और काम जो काबिल्ला ने किया सलाम आ, लानतु ने किया वो क्या किया उसने जंगों को बर्पा किया मुख्तलिफ जंगे खून रेजी फसाद फाशा जंगे खून रेजी जुल्म ऐसी कुश्तार संगीन इसका बानी काबिल था मैंने अभी आपको काबिल के बारे में दो तीन नुकात बनाए बस काबिल आतिश परस्सी का भी बानी था काबिल बैत बैतु आपके पूरे निज़ाम गाना गानों पीनों की जो महफिलें हैं और शराब और ये सारी चीजें ठीक है इस सब का बानी था और जंगों का भी बानी फसाद और फाशा और इसी तरह खून खूनविजी का बानी भी तो आप देखिए काबिल तमाम आप समझे कि म का बानी काबिल था आगे और किसने इसको तालीम दी शैतान ने अब इसके नतीजे में अब आप देखिए ये तस्वर करें ना आप तस्वुर करें कि यह हो रहा है आप कोशिश करें अपने आप को वहाँ तस्वर करें और सोचें कि हजरत शेज़ के साथ उनके लिए कितना मुश्किल होगा फिर दीन की तबलीग करना लोगों की हिदायत करना जब मसल सत्तर फीसद लोग इस खूनवेज़ी के अंदर मर रहे हैं या फिस फसाद और फाशा के अंदर मुबला हो रहे हैं तो शेज़ के लिए पास कितना मुश्किल काम हो गई है तस्वर करने की बात है बिल खूब बिलाखिर इन दी एंड ये सारे इहराफ़ा वजूद में आए काबिल की तरफ से और फ़िलहाल हम काबिल के बारे में इतना ही जानते हैं अब आगे मेरा नहीं ख़्याल है और कुछ बातें आ रही यहाँ काबिल के बारे में यहीं तक था और अब एक और बहुत ही ख़ूबसूरत अब यहाँ टॉपिक थोड़ी तलखियाँ ख़त्म करते हैं और कुछ मीठी बातें करते हैं वही के हज़रत आदम का मुजज़ा क्या था हजरत आदम का जो मुजज़ा था ना वो थारूफ़ मज़म जानते हुफ मोजम क्या है मोजम नहीं जानते सोचे मोजम क्या है मोजम तो यानी चाहिए मोजम यानी, यानी ओके क्या हो जाएगा ना हाँ अलिफ बा ना लिखता क्या है इंसान क्या लिखता है अलिफ बा से कलेमान बनाता है ना तो हजरत आदमी को मौजिजा येफ थे ठीक है जो अब मुझे थोड़ा बोलने दो थो, जो खुदा वंद सुबहान ने हजर आदम को तालीम दी है ठीक है अब क्या मतलब ये मोजसा था यानी आप देखें जब आप हरूफ मोज़ज़ मोजम की बात करते हैं ना दो दोसीत से दो एतबार से ये हरूफ मोजम हजरत आदम को तालीम दी गए तलफुज के एतबार से भी मसल आप एक कलमा कैसे तल्फ़ करते हैं मसल बोलना अब बोलना को मैं कैसे तलफ़ुज करूँ ना बे वाओ लाम नून अलिफ इसको जब मैं जमा करूँगा तो मैं बोलना ये तलफ़ुज कराऊँ इसको तलफ करें और अस लिहाज किताबत हजरत आदम का ये मुआजा थारूफ मोजम दो एतबार से तलफुज के अतबार से भी और किताबत के एतबार से भी ठीक है यानी कुदरत तकल्लुम बिलाकर उस जमाने में इंसान थे नहीं थे कैसे हजरत आदम और शेष आपस में बात करते थे हजरत आदम हजरत हवा से के साथ कैसे बात करते थे नहीं, नहीं कैसे खास कल की कैसे मसल खास थे? वो तो खैर जमीन पाने से पहले था यार मैं तो तो लिखाई हाँ, व... किताबत यानी किता लिखाई किताब पिछले जमाने में से जो हमें मिलती है वो ऐसी हर जमाने में किताब मुतवलिफ है बिल आखिर आप देखे मैंने क्या कहाजर आदम कोजरत शहज को पचास सहीफ़े दिए ना सहीफे क्या होता है शहीफ़े मसला कागज पचास कागज मसला जिसके ऊपर दीन के दस्तूर अहम दस्तूरार लिखे हुए तो ये ये कैसे में आया? अब मतलब हर पुराने ज़माने फारसी की बहुत पुरानी है ईरानी कौम बहुत पुरानी लोग है आ, बहुत ठीक है? है और इस्लाम अब खुद सबसे पुरानी अरेबिक है ठीक है आप देखे इमाम अली आइमा की शायद किताबत मौजूद है आज भी म्यूज़ियम से ममूआ में मौजूद हाँ है उसमें आप देखें नुकते नहीं हैं पहले ज़माने में अरबी लिखते थे बग़ैर नुकतों के ठीक हाँ। है तो आप देखें हर ज़माने में किताबत मुख्तलिफ है अच्छा यहाँ पर जो एक और खसूसियत है आदमी के इस मुजजे में इसको गौर से सुनना फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं वो क्या है कि हज़र आदमी साम का जेजा था नरूफ मजाम ये मुख्तलफ़ लहजों में तब्दील करने की काबिलियत रखता था आप देखें मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ हर जबान के मुख्तलिफ़ लहजे होते हैं सही ना मतलब फ़ारसी को देख लें फारसी के अंदर मुख्तलिफ़ लहजे मसलन कौम लोर फारसी के अंदर लुलिस्तान है ना लोर एक कौम है अब उसका लहजा अलग है फला कौम का फारस वालों का लहजा अलग है ओके मसला तबरीज़ वालों का मुमकिन है लहजा क्या हो अलग हो तो यहाँ जिसको फारसी में क्या कहते हैं लहजे को गोयश कहते हैं राइट गुयश कहते हैं लहजे को या नहीं कहते हैं ठीक है ना गुयश गुयश लहज हाँ लेकिन गुयश ओके ग्रामर के अंदर मशहद अब देखें हाँ तो हजरत हजरत तो हजरत आदम इस्लाम के इस मोजेजे में ये भी शामिल था कि उनके के कलमात वो जो कलमात लेकर आते थे वो जो जबान लेकर आते थे उसको मुख्तलिफ लहजों में तब्दील करने की उसके अंदर काबिलियत मौजूद थी बिलाखिर अब यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ये थोड़ा ग्रामर से भी यहाँ पर ताल्लुक बनता है लेकिन मैं ये बात बता दूँ कि देखें अगरचेबाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि कि किताबत का आगाज़ किताबत का आगाज़ हजरत इदरीस के ज़माने में यानी हजरत उसी पंद्रह सौ साल के फासले में ही किताबत का आगाज़ वहाँ से हुआ था लेकिन हरूफ मोजम बोलना तकल्लुम करना आपस में बातचीत करना ये हजरत आदम के जमाने से हो गया था अब मुमकिन है हो सकता है ये बात आपकी सही हो कि किताबत मौजूद ना हो लेकिन किताबत फकत महदूद हो हजरत आदम और शेज के दरमियान जो सहीफे की जो आपकी बात मैंने आपको बात बताई ठीक है हो ओके ये अब एक मोजे की बात हो गई अब एक और बात हजरत आदम का कुया क्या होता है कुन्या मालों क्या होता है ओके मसलन हम पाकिस्तान में तो कन्या नहीं रहते मसल आपका नाम मेहदी है ठीक है तो चूंकि का नाम मेहदी है और आप मसला अच्छे बेटे हैं अपने बाप के तो आपके वालिद को हम बुलाएंगे मसला अबा मेहदी मेहदी का बाप अबा मेहदी यानी मेहदी का बाप ये हो जाता है कुन्या ओके उस जमाने में भी था यह हजरत आदमी का भी कुन्या था दियन हम भी आकर और नबी आयमा तमाम का कासिम अबल हाँ ठीक है अबा सही है ओके अब हमें ये देखना है कि हजरत आदम का कुनिया क्या था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुनिया था अबा मुहम्मद आदम का मैंने क्या कुनिया किस से रखा जाता है, है ऐसा ही है यानी उनके बेटों में से एक बेटे का नाम क्या था कौन बेटे खुद नबी अक्रम सला ठीक है यानी हजरत आदम के सबसे बेहतरीन फर्जन कौन है खुद नबी अक्रम सल्ह उस मोहन यारको यार, यार, यार इसको मुकायसा इसको, यार नहीं करना चाहिए ठीक है कुल लोम मैं, ठीक है क्यों क्योंकि आप देखें हकीकत हकीकत वजूदी है, है नबी अक्रम सल्हलम आदम के वजूद में मौजूद थी क्योंकि हदीस में क्या बयान हुआ था कि अगर मोहम्मद ना होते ये हा उला खमसा ये खमसा ना होते तो ए आदम में तुझे भी खल्क नहीं करता ठीक है और लिहाजा अजीम तरीन फर्जन खुद नबी अक्रम सल्हल इसी रसूल अक्रम यहाँ पर सल्लाम कुन, की जन्नत और अहल बेहिश का कुन्या नहीं है सिवाय आदम का कुन्या फू युकन्ना बे अबी महम्मद तो आदम का कुन्या क्या है अबा अबी मोहम्मद या अबा मोहम्मद क्यों उनका कुन्या अबा मोहम्मद है तकरीमा व वजीमा सही है उन एहतराम की वजह से तज़ीम मिली है किसकी तज़ीम खुद नबी अक्रम की, की वजह से ठीक है लिहाजा ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुन्या था और बाज रिवायत के मुताबिक ये भी मिलता कि इसी असाज पर मलाइका ने बिलाखिर सजदा किया हजरत आदम के सामने क्योंकि मलाइका को ये दिखाया गया था कि हज़रत आदम के वजूद में खमसा तयबा का नूर मौजूद है अब इस कदर इस नाम की अज़मत है इस नाम का वक़ार है कि आदम आम को भी अजमत इस नाम की वजह से मिली है ठीक है ना आदम की अज़मत में किस वजह से खुद नबी अकनम की वजह से सही है न एक और बात जो हजरत आदमी सलाम के हवाले से बहुत ही खूबसूरत है वो एक हज़रत आदम हर नबी की अंगूठी मौजूद है अंगूठी है अंगर और उस अंगर के ऊपर एक ख़ास कुछ खास कलिम और तो जुमले लिखे होते हैं, ठीक है जिसको नक्श कहा जाता है एक नक्शबंदी होती है रिवायात के मुताबिक तमाम अम्बिया इलाही के लिए ये अंगुश्तर मौजूद थी और उनके नक्श उन मुख्तलिफ नक्शबंदी थी लेकिन जो हमें नक्शबंदी हज़रत आदम के लिए मिलती है कि उनके अंगूठी के ऊपर महम्मद रसोल्ह की नक्शबंदी हुई थी और इस एतबार से आप देखें एक नतीजा जो अस्तिल देते हैं रिवायात भी मौजूद हैं जिसको कहा जाता है रिवायात मीसाक व अहद या रिवायत अहदोम मीसाक के हज़रत आदम का अहद था नबी अलैहि सल्हलम से और इसद के लिहाज से मसला ये रिवायत में ये जुमले मिलते हैं कि फ़ताना अलमन अज़लमीसाख बिन नबू महमदबन आब्दिल्लम आदम सब सी सबसे पहली हस्ती हैं सबसे पहली शख्सियत हैं कि जिन्होंने नबूवत नबी अक्रम पर मीसाक औरहद यानी आप समझे के तमाम अम्बिया ने नबी अकरम के ऊपर हाथों के ऊपर क्या की बेत की सही है ना और पैरों पे, थे नबी अकरम के इस लिहाज से अब यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मुकालमा मिलता है हमें वो क्या है मसला आप ये देखें जुलेखा के हवाले बहुत ही खूबसूरत है मैंने कहा ना हर चीज़ फिल्मों में नहीं मिलती है आवाज का आपको मतलब करना पड़ता है रिवायात में है कि जब जोलेखा उस सख्ती की हालत में मुबतला हुई और उसकी तमाम बादशाह तमाम शान और शौकत मलियामेट हो गई और अलैहिस्सलाम को वो इज़्ज़त मिल गई अज़ीज़ मिस्र बन गए तो एक दिन अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे किसी ख़याबान में किसी गली में तो देखा यू, यू, जुलेखा वहाँ पर मौजूद है तो एक दिन यूसुफ़ ने पूछ लिया जुलेखा को कह तुम्हें तुम कौन हो भाई तुम्हारा नाम क्या है तो जुलेखा ने कहा कि मैं जुलेखा हूँ ओके okay. मेरे पास ये पूरा फारसी में यहाँ लिखा हुआ है तो मैं फ़ारसी में हो सकता है आ, बयान करके तर्जुमा करूँ जुल्खा ने कहा मैन जोलेखा हाँ सै जोलेखा हूँ यूसुफ़ ने तजुब किया और पूछा कि वो ऐसी ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे साथ ये तुम्हारी ये हालत हो गई सही है क्या पेश आया तुम्हारे साथ तो जोलेखा ने कहा कि तेरे इश्क ने तेरी मोहब्बत ने मुझे इस इस तरह इस ऐसी मेरी हालत बना दी उसके बाद यूसुफ ने पता है क्या कहा यूसुफ ने कहा कि ऐस जुलेखा अगर मैं तुझे एक शख्सियत के बारे में बताऊं एक ऐसी हस्ती के बारे में बताऊं कि जो मुझसे भी खूबसूरत है मुझसे भी अजीम है तो तुम क्या करोगी जुलेखा ने कहा मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करने को तैयार हूँ ओके तो यहाँ पर रिवायात में मिलता है कि अच्छा फिर यासर यूसुफ ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है उस शख्सियत को तुमने देखा भी नहीं है और तुम मेरी बात कैसे यकीन लेकिन फिर भी हमें ईमान है इसी वजह से रिवायात के अंदर देखे आखिरी जमाने के लोग गहब कुबरा के खासतौर पर जो अफराद होंगे लोग होंगे यानी हम सब हमारा ईमान उन लोगों से उन मुसलमानों से बढ़ता है जो जमाने जो इमाम के ज़माने में मौजूद है जो इमाम सात के ज़माने में जो इमाम नकी इमाम तकी के ज़माने में मौजूद है हमारा ईमान उनसे कवी है क्यों क्योंकि हमने बग़ैर देखे हम ईमान लेकर आए हैं तो यहाँ पर जुलेखा को पूछा कि भाई ऐ जुलेखा तुम मेरी बात पर क्यों यकीन कर लो कि जब तक जब तक जबकि जब तुमने उसको देखा भी नहीं तो जुलेखा ने कहा कि ऐ यूसुफ़ चूँकि तू कह रहा है ना मुझे तुझ पर यकीन है और मैं मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे तुझ पर पूरा सदर यकीन है और तू सादिक है तू सच्चा है तू कभी झूठ नहीं बोलता लिहाजा मुझे तेरी हर बात पर यकीन है यूसुफ़ सिद्दीक सच बोलने वाला बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला तो यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को नबी अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में बताया नबी अकरम की हस्ती के बारे में बताया जिसके नतीजे में जुलेखा के दिल में नबी अकरम की मोहब्बत पैदा हो गई नबी अकरम की मोहब्बत पैदा हो गई और यहाँ से अब जुलेखा जो है मुकम्मल इश्क नबी अकरम में माला माल हो जाती हैं और उनसीयत और मानूसीत नबी अकरम से पैदा हो जाती है लिहाजा अब बाहर अब रिवायात के अंदर मौजूद है आप देखें कि जुलेखा ने नबी अकरम से अपनी मोहब्बत का इज़हार भी किया यानी उस ज़माने में जबकि नबी अकरम मौजूद भी नहीं था ठीक है ना यहाँ से एक कायदा मिलता है हमें कि निज़ाम इलाही के अंदर एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने रखी है कि अगर मुझे और आपको वो मिल जाए ना और शायद अगर मिली भी है ना तो हम ज़्यादा उसकी एतना नहीं करते तो वो सुरत के साथ हमें कमाल तक पहुँचा सकती है वो क्या है मोहब्बत बे औलिया यानी अंबिया इलाही से मोहब्बत करना इंसान को कमाल तक तेजी से ले जा सकती है तेजी से ले जा सकती है मसलन कितने उलमा हैं जो जिनका इंतकाल हुआ है मसला तबा तबाही और आयतुल्ला ममदूही आयतुल्ला बहजत ये तमाम ये लोग कौन है अलिया एलाही है हमारे उस्ताद कहते हैं कि अगर आप इनसे तवसल करें ना इनके लिए फ़ातहा पढ़ें इनसे अपना इरतबाद कायम करें तो वहाँ से भी आपको हदीये मिलेंगे वहाँ से भी आपको मोहब्बत मिलेगी रिवायात के अंदर मसला आप अपने मरहूम के लिए मसलन आपके नाना फ़ौत होंगे ऐसे ही है ना मसलन उनके लिए सूर्य फातहा पढ़ते हैं ओके ओके इफ़ारी से पहले सूर्य फातहा पढ़ते हैं तो मुझे बताएं ये सूर फातह उनको कब पहुँचेगी उसी वक्त उसी लहजे जैसे मैंने सूर्य फातर पढ़ी अपने मरहूम के लिए उसी वक्त उस मरहूम को वो तोहफे के तौर पर मिलती है और वो खुशहाल होता है और नतीजे में वो हमारे लिए भी दुआ करता है या हमारी मसलन किसी ज़िंदगी के सख्त मोड़ में हमारी मदद करता है तो उस हमारे मरहूमिन तो खुदा उनको, उनके दर्जा बुलंद फरमाए लेकिन उनसे बढ़कर कौन है अलिया अलामाय बिल्ला इनसे मोहब्बत करने का नतीजा यानी इनसे मोहब्बत करना एक तरफा नहीं है कि मैं फकत इनसे मोहब्बत करता हूं नतीजे में वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे नहीं ऐसा नहीं वो भी आपसे मोहब्बत करना शुरू करेंगे वो भी आपकी तरफ तवज्जो करना शुरू करेंगे और सबसे बढ़कर कौन है जी ओलिया तो हमारी तरफ तवज्जो करना चाहते हैं इनकी बात लेकिन हम तवज्जो नहीं करते हैं उनकी तरफ मसलन आपने किसी आलिम का आज नाम सुना घर जाके इस आलिम का नाम लिखो और उनके लिए लिफात पढ़ो सही है इसका असर दुनिया में पड़ेगा ना फकत आखिरत में सही है ना ठीक है लिहाजा मोहब्बत कायदा क्या है फारसी में अगर बोलूँ मोहब्बत सुर मी बख्शत बिस कमाल मोहब्बत इंसान को कमाल की तरफ तेजी से ले जाता है अब यहाँ पर बहसे और भी है मैं करना चाह नहीं रहा हूँ या चाह रहा हूँ लेकिन चूंकि टाइम की भी क़िल्लत है और आप लोग अभी पहुंचना है तो मैं क्या करूं यहाँ पर बयान करूं नहीं करूं मेरे ख़्याल में, में काफ़ी तो है मेरे तो ख़्याल में, तो तो में, तो में यहाँ पर काफ़ी है इतना मुश्किल नुकात बहुत सारे हैं यहाँ पर लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं किसी और फुर्सत के लिए ठीक है इतना ज़्यादा क्योंकि मैंने बुनियादी नुकात आपको बता दिए हैं कल के सेशन में हम क्या करेंगे ठीक है मैं मुझे दो मिनट दे मैं कल के सेशन के बारे में खुलासा बता दूँ कल जो आने वाला है कल तो बहुत कुछ आने वाला है बहुत कुछ आने वाला है ठीक है कल के सेशन में हम हज़रत शेज़ की विसायत को देखेंगे और हजरत शेज़ का दीदार और मुलाकात हजरत ज़ब्राइल से और उनकी वसीयत शेज़ की तरफ की नस्बत इसी तरह बाज़ मारफ़ती मौजुआत को देखेंगे जैसे इसम आज़म इलाही और हजरत ज़ब्राइल आलाम ने शेज़ के बारे में क्या फरमाया ये कुछ मौजूद देखेंगे हजरत जबराइल की तज़ियत और तसलीत हजरत आदम सलाम की वफ़ात पर इसी तरह शेज़ के हवाले से कुछ नुक़ात देखेंगे और मिस्टर काबिल के हवाले से भी कुछ चीज़ें देखेंगे और आखिर जो आखिरी बच्चा जो हम देखेंगे वह है नस्ल आदम के हवाले से इनशा वसलम आरहत ल